जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सभी के सामने हूँ अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, नया सब्जेक्ट लेकर आए हम आपके लिए यहाँ पर, सामान्य विज्ञान। कौन सा है? सामान्य विज्ञान। कई बच्चों की डिमांड है, सर साइंस शुरू किया जाए। चलिए, हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए सामान्य विज्ञान। तो जेल परी में लिखा है सामान्य विज्ञान हमारे सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान। यहाँ पर जो विज्ञान शब्द है दोस्तों, वो साइंस का हिंदी रूपांतरण है, या साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। ठीक है दोस्तों, समझना, जो साइंस शब्द है दोस्तों, कौन सा शब्द? साइंस। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, साइंसिया से निकला है। ठीक है, साइंस शब्द कहां से निकला है? लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, साइंसिया का अर्थ क्या है? जानना या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है सर, कैसी जानकारी प्राप्त करना? समझना यहां पर कि पृथ्वी की या प्रकृति की लगभग सभी घटनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, जैसे उदाहरण बताओ सर। चलिए उदाहरण, बारिश हो रही है अभी दोस्तों, क्या ये विज्ञान से संबंधित है? हाँ, विज्ञान से संबंधित है। अच्छा, आगे बढ़ते हम। क्या सूर्य का प्रकाश हमें विकिरण के माध्यम से प्राप्त होता है? हाँ होता है, ये भी विज्ञान से संबंधित है। अगला, क्या सेब का नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? विज्ञान से संबंधित है। तो लगभग सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको साइंस लैटिन भाषा का शब्द है, साइंसिया, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, सामान्य विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? तो सामान्य ज्ञान के तीन भाग है प्रमुख रूप से, एक है भौतिकी, एक है रसायन विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, क्या मैं आप सभी को तीनों पढ़ाऊंगा? नहीं, मैं केवल आपको बताऊंगा यहां पर भौतिकी या फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, जो ये फिजिक्स शब्द है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम प्रकृति या प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे सेब का घिरना एक प्रकृति की ही अभिव्यक्ति हम कह सकते हैं। ठीक, मेरा यहां पर चलना, क्या ये फिजिक्स का उदाहरण है? हाँ है, घर्षण के कारण। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश का मुझ तक आना, हाँ फिजिक्स का उदाहरण है। तो लगभग सारी चीजों का अध्ययन हम यहां पर किसमें करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत, जो प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहां पर फिजिक्स। तो फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके अंतर्गत हम यहां प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम मूल रूप से दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। एक द्रव्य और एक ऊर्जा। यहां पर एक और शब्द आता है द्रव, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। द्रव क्या है? जो एक पदार्थ की अवस्था, उसका हम यहां पर नहीं, पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस, उसमें से एक यह द्रव, इस द्रव की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यह बात कर रहे हैं द्रव्य की और ऊर्जा की। तो फिजिक्स में मूल रूप से द्रव एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो सर बताओ द्रव्य क्या है? तो दोस्तों, द्रव्य वो है जो, या जिसका क्या हो? द्रव्यमान, या जो जगह को घेरे, अर्थात उसका क्या हो? आयतन। द्रव्य क्या है? जिसका क्या हो? एक तो द्रव्यमान, जिसका क्या हो? आयतन, यानी जो जगह को घेरे, जिस पर हम दबाव डाल सके, या जो हम पर दबाव डाल सके, या ऊर्जा के द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सके, ये क्या कहलाता है? द्रव। नहीं समझ में आया सर, उदाहरण दो आप। तो उदाहरणों की कोई कमी हमारे पास नहीं है, समझना। मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है दोस्तों,
क्या ये द्रव्य है? तो हां, ये एक द्रव है। क्यों? एक तो इसका क्या है, द्रव्यमान है दोस्तों, इसे मैं तोल सकता हूं। अगली, इसका क्या है, आयतन, क्योंकि ये इतनी इतनी जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है। अगली चीज, इसका वजन है, हां है। क्या इसकी अवस्था में मैं परिवर्तन कर सकता हूं? तो हां, इसकी अवस्था में मैं परिवर्तन कर सकता हूं। ये ठोस है, ठोस से द्रव बनेगा और द्रव से गैस। किसके द्वारा? ऊर्जा के द्वारा। तो ऊर्जा के द्वारा इनकी अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है, यही क्या कहलाता है, द्रव्य। ठीक है, यानी जिसका द्रव्यमान हो, आयतन हो, जिस पर दबाव डाले, अगर मैं इस पर दबाव डालूंगा तो ये दबेगा, या ये मुझ पर दबाव डाल रहा है, यानी ये क्या है दोस्तों, द्रव्य। समझ में आया? अर्थात हमारे आसपास की लगभग सभी चीजें द्रव्य है, या इसे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ। ठीक है, बोर्ड पदार्थ है, ये डेस्क पदार्थ है, पंखा पदार्थ है, मार्कर पदार्थ है, द्रव्य है। ठीक है, यानी इसकी अवस्था में मैं परिवर्तन कर सकता हूं। ठीक है, द्रव्य। समझ में आया दोस्तों? अगली चीज है यहां पर ऊर्जा। पता ही आप सभी को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा। ठीक है, तो मूल रूप से हम फिजिक्स में द्रव्य एवं ऊर्जा का क्या करते हैं, अध्ययन। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। अब हम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक प्रमुख टॉपिक पढ़ना पड़ता है हमें, क्या, मापन, मेजरमेंट। तो मापन क्या है और मापन क्यों किया जाता है, इन दो बातों को हम यहां पर समझेंगे। बताइए सर, मापन क्यों किया जाता है, यह मापन क्यों करना होता है? ठीक है, यह मापन क्या है? ठीक है, तो दोस्तों किसी भी वस्तु की हमें अगर सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो क्या किया जाएगा, मापन। जैसे अगर मैं पूछूं कि मेरी हाइट क्या है, तो आप बोलोगे सर लगभग 6 या 5.5 फीट या 6 फीट होगी। मैं बोल रहा हूं मुझे लगभग नहीं, एग्जैक्ट बताओ। तो आप बोलोगे सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। इस मार्कर की लंबाई क्या है, होगी 1-2 फीट? नहीं, सटीक जानकारी प्राप्त करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, मापन। लगभग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब मापन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों तुलना करने के लिए क्या किया जाता है, मापन। जैसे कैसे करते हैं हम तुलना, तुलना करते हैं हम वस्तु की वर्तमान मात्रा की उसी वस्तु की निर्धारित मात्रा से, या उसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा से क्या करनी पड़ती है हमें, तुलना। कैसे, क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया, फिर से एक बार। वस्तु की वर्तमान मात्रा की तुलना उसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा से क्या करना, तुलना। समझना, मार्केट में गए हम आलू लेने, क्या बोलोगे, आलू दे दो, ऐसा नहीं बोलोगे उसे, आप बोलोगे 1 किलो क्या चाहिए मुझे, आलू। ठीक है, क्या करेगा वो, एक साइड आलू रखेगा, एक साइड क्या रखेगा, तोलने के लिए बाट, जिसे हम शुद्ध भाषा में कहते हैं बाट। 1 किलो का या 2 किलो का क्या रखेगा, बाट। एक साइड बाट रखेंगे, एक साइड आलू। ठीक है दोस्तों, समझना, वस्तु की वर्तमान मात्रा यानी आलू की जो मात्रा हम लेंगे, और उसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा से हम तुलना। अगर मुझे 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो का बाट रखूंगा, और जितने आलू डालेंगे अगर ये बराबर हो जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, 1 किलो क्या है, आलू। तुलना कर रहे हैं हम दोस्तों, तो वस्तु की वर्तमान मात्रा की उसकी पूर्व निर्धारित मात्रा से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन। मेरी हाइट को आप माप सकते हो दोस्तों? हाँ माप सकते हैं, टेप लोगे आप माप दोगे दोस्तों। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मापन। या फिजिक्स शुरू करने से, जैसे हम फिजिक्स शुरू करते हैं तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है मापन, मेजरमेंट। समझ में आया क्या, एक तो सटीक जानकारी प्राप्त करना एवं तुलना करना, किसके अंतर्गत, मापन के अंतर्गत हम ये देखते हैं। समझ में आया दोस्तों मापन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है, तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका क्या किया जा सकता है, यथार्थ पूर्वक मापन, या जिसका मापन किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान
और समय ये किसके उदाहरण है? भौतिक राशियों के। भौतिक राशियों के अंतर्गत हम मूल रूप से दो राशियों का क्या करते हैं? अध्ययन। पहली है मूल राशियां, दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, भौतिक राशियों के अंतर्गत हम यहां पर मूल राशियों का अध्ययन करेंगे और व्युत्पन्न राशियों का। सर मूल राशियां क्या है? तो मूल राशियां ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र। ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र, क्या कहलाती है? मूल राशियां। और वर्तमान में इनकी संख्या है 7। तो सर वो 7 राशियां कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये 7ों की 7ों आपकी मूल राशियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। 4 देगा, 1 गलत देगा, हमें उसमें से हमको उसे अलग करना है। समझ आया दोस्तों? मूल राशियों की संख्या 7 और ये क्या होती है? स्वतंत्र। मूल राशियों से ही क्या बनती है? व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों से ही क्या बनती है? व्युत्पन्न राशियां। इनकी कोई निर्धारित संख्या है नहीं। जैसे क्षेत्रफल लिखते हैं हम, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। कहां से निकला है दोस्तों? मूल राशि से। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये भी कहां से आया है? मूल राशियों से। तो व्युत्पन्न राशियों को हम मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मूल राशि स्वतंत्र है एवं व्युत्पन्न राशियां वे है जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। एग्जाम्पल भी हमने यहां पर देख लिए। एक और भौतिक राशि का वर्गीकरण देखें तो एक होता है सदिश और एक अदिश राशि। नाम से क्लियर है, एक है सदिश यानी इसमें दिशा की बात हो रही होगी और एक है अदिश यानी इसमें दिशा की बात नहीं हो रही होगी। समझना, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या हो? आवश्यकता। दिशा समझ गए? मेरा पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना और दक्षिण में जाना, ये क्या है? दिशा। लेकिन शब्द आता है परिमाण, परिणाम नहीं। परिणाम की नहीं बात कर रहे हम कर रहे हैं परिमाण। तो परिमाण वो होता है जिसका हम संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं, अर्थात जिसमें हम संख्यात्मक मान भी निकाल सके और जिसकी दिशा हो, वो क्या कहलाएगा? सदिश राशियां। एग्जाम्पल बताओ सर, वेग और बल, ये एक सदिश राशि के क्या है? उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अगला है यहां पर अदिश राशि, यानी इसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है? परिमाण। इसे क्या बोलेंगे हम? अदिश राशि। उदाहरण है द्रव्यमान, दूरी और चाल। ठीक है, अब दूरी पूर्व में भी जा सकते हैं और पश्चिम में भी। इसकी कोई निश्चित दिशा है क्या? नहीं। ठीक है, चाल जरूरी है क्या एक ही दिशा में हो? ठीक है, इधर भी जा सकता हूं एक चाल से, इधर भी जा सकता हूं। ठीक है, मतलब इसमें दिशा फिक्स नहीं है, केवल क्या है? परिमाण, अर्थात इसमें केवल संख्यात्मक मान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अदिश राशि में। और सदिश राशि क्या है? जिसमें केवल दिशा की आवश्यकता होगी और साथ में क्या? परिमाण की आवश्यकता। वो क्या होगी? सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, वो क्या कहलाएगी आपकी? अदिश राशि। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए तो दोस्तों, आज मैंने आपको सामान्य सा फिजिक्स पढ़ाया है। ठीक है, कुछ बेसिक जानकारियां दी है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।